नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं उस्ताद कमाल साबरी साहब। परिचय की यूं तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर एक लाइन का परिचय मुझे देना हो तो मैं कहूँगा कि पद्म भूषण साबरी खान साहब को अगर सारंगी सम्राट कहा जाता था तो उनकी परंपरा को इस कदर निभाया है कि आपको कहा जाता है प्रिंस ऑफ सारंगी। तो बातचीत की शुरुआत पहले स्वागत से करते हैं। उस्ताद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस्ताद जी, पहला सवाल तो दरअसल सवाल नहीं है, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपकी जो परंपरा है, आपकी जो रवायत है, आपका जो सातवीं पीढ़ी के आप कलाकार हैं, वो बचपन, वो सीख, अपने बुज़ुर्गों को याद करने का ये मौका है, वो सब कुछ याद करिए, वो यादें हमसे साझा कीजिए। आज जो भी मतलब फैमिलीज हैं, ट्रेडिशनल फैमिलीज, उसमें यही परंपरा रहती है कि बच्चों को सिखाया जाता है, फिर उनको अच्छी तरह रियाज कराया जाता है, फिर एक टाइम आता है वो ख़ुद अच्छे कलाकार बनते हैं और दुनिया में अपने कला को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और लोगों का प्यार लूटते हैं और उनकी दुआएं लूटते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं और सफ़र जारी रहता है। ये ऐसा सफ़र है कि कभी रुकने वाला नहीं है। हमारे बाद कोई और आएगा, हमसे पहले कोई और था, आज हम हैं, हमारे बाद डेफिनेटली कोई ना कोई और आएगा। तो सफ़र जारी रहना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आपका मैसेज है वो जनता तक आप अपने कार्यक्रम के ज़रिए या अपने कला के ज़रिए उनको एक अच्छा पैगाम दें, अच्छा संदेश दें, अपने प्यार मोहब्बत का संदेश दें, अमन और शांति का पैगाम दें। इसी से प्यार और मोहब्बत और उनकी दुआएं लूटते रहें। अच्छा उस्ताद जी, पद्म भूषण साबरी खान साहब आपके पिता भी रहे, आपके गुरु भी रहे, जब ये डबल रोल होते हैं तो ये पिता का रोल वो लाड़ प्यार, गुरु के तौर पर, उस्ताद के तौर पर वो थोड़ा डांटना डपटना, कौन सा पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग था, आपको क्या याद आता है? जब सिखा रहे हैं तो उस वक़्त उस्ताद का उनका ज़्यादा रुतबा रहता है और दर्जा रहता है, क्योंकि सिखाते वक्त अगर वो बाप का रोल अदा करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुंजाइश नहीं बन पाएगी कि ठीक तरह से सिखा पाएँ, क्योंकि उस वक़्त गुस्सा भी आएगा और नाराज़गी भी होगी कि इतनी देर से मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है। तो उस वक़्त उनका उस्ताद का ही दर्जा रहता है। जब पिता भी कोई सिखा रहा है अपने, चाहे उनका बेटा ही हो, तो उसका दर्जा ये रहता है कि क्योंकि माना जाता है कि उस्ताद जो होता है वो वालिद से भी ज़्यादा रुतबा रखता है, क्योंकि अपनी कला दे रहा है, अपने ज़िंदगी जीने का आपको तरीक़ा सिखा रहा है, आगे आपका ज़रिया माश वो बनेगा, आर्थिक जो सारा वो रहेगा वो उसी से रहेगा। तो ये मानना कि जब आप नहीं सिखा रहे उस वक़्त बाप बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, और मेरे वालिद साहब को मैंने देखा कि बड़ा अच्छी तरह बैलेंस करके उन्होंने हमें सिखाया, और जो शागिर्द हैं उनको भी ये नहीं समझा कि बेटे को ज़्यादा सिखाऊं या शागिर्द को, शागिर्द को भी वही शिक्षा दी। बाकी सब आपका अपना अपना नसीब है, कौन कहाँ जाके आगे बढ़ता है, लेकिन शिक्षा में उन्होंने कभी कमी नहीं की और हमें भी वही शिक्षा दी जो शागिर्द को देंगे, या बेटे को भी वही सिखाया जो शागिर्द को सिखाया। अब हम ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि किसको क्या नसीब होता है, लेकिन शिक्षा में उन्होंने, तालीम में कोई कमी नहीं की। वो जो घरानेदार तालीम है वही अपने शागिर्द को दी, वही अपने बेटे को दी। आज हम जो कुछ भी हैं सब उनकी दुआओं का नतीजा है, उनकी शिक्षा, उनकी तालीम का नतीजा है, और उसका सारा श्रेय उन्हें जाता है, हमारे वालिद साहब को और वालदा साहिबा को, कि वालदा साहिबा ने हमें सही रास्ता दिखाया कि इस वक्त उठो और रियाज़ करो और वालिद साहब का कहना मानो। तो सबसे पहला जो तालीम होती है वो माँ ही देती है, माँ का सबसे पहला शिक्षा होती है, कि कहते हैं टीचर जो सबसे पहली होती है वो माँ होती है। तो माँ जैसा जैसा बच्चे को सिखाती रहती है फिर वैसा वो आगे बढ़ता है। तो उन्होंने यही सिखाया कि उस्ताद का हमेशा उस्ताद की बात मानो और उनके जो बता रहे हैं उस पर चलोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कहते हैं कि उस्ताद हो कामिल, शागिर्द हो आमिल, खुदा हो शामिल। तो ऐसा करके ऊपर वाला कामयाबी देता है। सबसे पहले उसका ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए और उसके बाद आपका जो उस्ताद है वो मुकम्मल होना चाहिए, अपने काम में परिपक्व होना चाहिए, और आपका अमल है, आपका काम है, दिखिया सिखिया परखिया कर्तव्या,
कि देखो सीखो परखो खुद करो और फिर उसमें फिर कर्तव्य और कमाल पैदा होता है। और आपने तो 8 साल की उम्र में पहला कॉन्सर्ट किया था, तो शैतानी के लिए समय मिला या कॉन्सर्ट में ही समय निकल गया? नहीं, शैतानी भी अपना टाइम पे वो भी चलती थी, लेकिन जब रियाज का टाइम है अपना एक, तो क्योंकि बचपन से ही वालिद साहब ने और गुरुओं ने ये डाला ध्यान में कि इस काम को आपने करना है। एंड मैं समझता हूँ मैं अपनी फैमिली में बड़ा फॉर्चुनेट रहा इस चीज़ में कि मुझे अपने वालिद का काम करने की करने का मौका मिला, और उनकी जो परंपरा है हमारे घराने की जिसको ट्रेडिशन कहते हैं सारंगी की, उस सास को मुझे दिया गया, जिम्मेदारी को मुझे सौंपा गया कि आपने इस काम को आगे लेके जाना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप सबकी दुआओं से ऊपर वाला कामयाबी दे रहा है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि करम कर रहा है वो, तो इसी तरह आपकी दुआएँ रहें तो आगे और सफ़र आसान होता रहेगा। हम अक्सर संगीत में बात करते हैं घरानों की, चाहे वो शास्त्रीय संगीत गायकी हो या फिर वादन हो, आप अपने घराने के बारे में भी बताइए। भाई घराना हमारा मुरादाबाद घराना, हमारे जो बुज़ुर्ग उस्ताद छज्जू खान साहब, नज़ीर खान साहब, उस्ताद अमन अली खान साहब, वही परंपरा हमारी चली आ रही है। हमारे दादा उस्ताद छज्जू खान साहब, उस्ताद हाजी मोहम्मद खान साहब, उस्ताद कल्लन खान साहब, मौला बख्श खान साहब, इलाही बख्श खान साहब, सब सरंगी वादक रहे। तो मैं अपने घराने की 7वीं पीढ़ी को दर्शाता हूँ। तो हमारे घराने की जो ख़ास बात है वो ये कि सारंगी के जो प्रकार, जिस तरह से सारंगी को बजाना जाना चाहिए, जो असली एक उसकी जो बारीकियां हैं, वो हमारे घराने में ऊपर वाले के करम से सबसे परिपक्व घराना माना जाता है सारंगी का, मुरादाबाद घराना। और उसमें से जो सारंगी में सबसे बड़ा नाम हुआ वो उस्ताद साबरी खान साहब का, बल्कि घराने में नहीं बल्कि भारतवर्ष में अगर किसी ने सारंगी को सबसे ज़्यादा पहुँचाया हर कोने कोने में दुनिया में, क्योंकि उस्ताद साबरी खान साहब ने ही सबसे पहले सारंगी को इंट्रोड्यूस किया अराउंड द वर्ल्ड, और वो फिर विजिटिंग प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटीज़ में, US में और दूसरी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनकी ये खासियत थी कि सारंगी को हर रंग में, क्योंकि सारंगी का पुराना नाम सौरंगी कहा गया है, तो अगरचे 100 रंग किसी सारंगी वादक ने दर्शाए तो वो उस्ताद साबरी खान साहब हैं। उसमें चाहे धुरपद, धम्मार, ख्याल, ठुमरी, कजरी, चैती, फोक सॉन्ग, गज़ल, भजन, कवाली, हर रंग को उन्होंने बहुत अच्छी तरह पेश किया, और वो सारंगी के शहंशाह कहलाए, आफ्ताब सारंगी कहलाए। तो उनकी जो हमारे घराने की खासियत थी वो यही है कि चौमुखी सारंगी, जिसमें हर रंग नज़र आना चाहिए सारंगी का। यही नहीं कि सिर्फ सोलो बज रही है या सोलो में भी 2-3 तारें तैयार करके तो आर्टिस्ट बन गए, हर रंग की तान, हर रंग की बंदिश, हर घराने की गायकी सारंगी में बजनी चाहिए, जो उस्ताद साबरी खान साहब ने दिखाया और हम कोशिश कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पर चलने की। और यही है दुआ के ऊपर वाला हमें किसी मंजिल तक, अच्छी मंजिल तक पहुँचाए। तो ये जो उनकी खासियत थी वो यही थी कि सारंगी के हर रंग को बहुत खूबसूरती से पेश किया उन्होंने, और जो उसका ट्रेडिशन तरीक़ा है उस तरीके से पेश किया। और हमें भी ये सिखाया कि अगर आप फ्यूजन भी कर रहे हो तो इस लिहाज से करो कि रागदारी को ठेस ना पहुँचे, राग ख़राब ना हो। ये नहीं कि रागों को लेके और जनाब अली फ्यूजन करे जा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, और जिसने वो राग बनाए या वो पुराने राग हैं उसकी आत्मा को भी तकलीफ़ हो रही है कि ये क्यों हमें बंदिश इसमें लेके। फ्यूजन करना भी है तो आप अपनी कॉम्पोजिशन करें और उसको उस तरह से करें। उन्होंने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया कि आप राग को लेके या पुरानी बंदिशों को लेके उसको डाइल्यूट करें, उसको तकलीफ़ दें। हमेशा ही कहा जी अपनी आप कुछ नई कॉम्पोजिशन करें, उसमें अपना आप फ्यूजन करें जो आपका मन है। तो हमने फ्यूजन भी किया सारंगी के साथ, दुनिया में सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ हमने बजाया और बजा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आपकी खिदमत। अच्छा, कभी उस्ताद जी से ये पूछने का मौका मिला कि पहला राग भैरव क्यों? भैरव को माना जाता है कि एक जो थर्ड आई है आपने देखा है, तो वो नॉलेज की आई है, एक मालूमात, तजर्बे की एक रोशनी है। तो भैरव को माना जाता है कि ये वो पहला राग है जिससे कि नॉलेज शुरू होती है। जैसे किसी भी आप इंग्लिश सीखेंगे तो ABCD, तो भैरव एक ऐसा राग है जो संगीत की ABCD माना जाता है। तो इससे जब आप शुरू करते हैं और उसके बाद जो आपके अंदर एक नॉलेज, एक इल्म आता है, एक तालीम आती है, एजुकेशन आती है, वो बड़ी परिपक्व होती है, बहुत उसके अंदर फाउंडेशन बड़ी मजबूत होती है। ये फाउंडेशन राग माना गया है भैरव को।
ऊपर वाले का नाम लेके आप शुरू करते हैं और उसमें फिर ये कि अलग अलग अलंकार, फिर बंदिश का नंबर आता है। सारंगी में ये कि सबसे पहले गज को साधना, उसके बाद लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर जिससे स्वर निकालते हैं आप, उसको समझना, और उसके बाद अलंकार पलटे या एक्सरसाइजेज अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वो करना, और फिर बंदिश और तबले के जो सबसे बेसिक ताल है, तीन ताल 16 बीट्स, उसको समझ के उसमें बंदिश को उसको बांधना और उस बंदिश को बजाना। गज की बंदिश अलग है, तान की बंदिश अलग है, और एक स्वर सरगम की बंदिश होती है। तो ये सारी चीज़ें करके फिर आपका आगे उस भैरव के पास के जो राग हैं, दोपहर में मुल्तानी राग, रात को यमन राग, ये बेसिक तालीम होती है जो शुरू में किसी भी, मेरे ख्याल है, ट्रेडिशनल फैमिली में सिखाई जाती है। उस्ताद जी, ढेर सारे रागों का जिक्र हो गया, बहुत सारी रागों का आपने नाम लिया, तो अब गुजारिश करेंगे कि कुछ हमें सुनाइए भी। जी जी जी, मैं आपको सुबह का ही एक राग सुना रहा हूँ। राग बसंत मुकारी राग है और सुबह का राग है, जो इसमें एक तीन ताल की बंदिश में आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ तबले पे रमीज भाई हैं, रमीज हसन राजा इनका नाम है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं।
हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।